एक और बड़ी खबर आ रही है, वो मैं दिखाने चाहूंगा। सियासी संकट के बीच अजय संजय राउत के तीखे हमले जारी। संजय राउत ने इशारों में बागियों को कहा लाशें। संजय राउत ने शेर ट्वीट करके बोला, राउत ने ट्वीट कर में लिखा, जहालत एक किस्म की मौत। संजय राउत ने लिखा, जाहिल चलती फिरती लाशें हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, एक तरफ उद्धव चिट्ठी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे साथ सभी जर्नलिस्ट, सभी मेहमान जुड़े हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मंदार भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मंदार, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्या है, उद्धव चिट्ठी लेके इमोशनल अपील कर रहे हैं, संजय राउत अभी भी बंदूक लेके गोलियां बरसा रहे हैं, मतलब जुबानी गोलियां, ये डबल थिंग, डबल टॉक का मामला नहीं दिखाई देता है? निशांत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, लेकिन ये आपने सही कहा कि एक तरह से उद्धव ठाकरे अपनी सॉफ्ट लैंग्वेज में लोगों को बुलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से आप देखिए तो संजय राउत हमले पे हमले किए जा रहे हैं। परसों आदित्य ठाकरे ने भी यही कहा था कि जो गंदगी है पार्टी से वो निकल गई, तो एक तरह से वो टफ स्टैंड ले रहे हैं पार्टी, और दूसरी तरह से उद्धव ठाकरे उनको बुला रहे हैं। हालांकि जो जमीनी तौर पे देखा जाए तो काफी शिवसैनिक आपको रास्ते पे दिखेंगे, और ये पहली बार है कि इस तरह का एग्रेशन देखने मिल रहा है। काफी बार शिवसेना शिवसैनिक को बोला गया था कि ये ठंडे हो चुके हैं, लेकिन अभी आप जमीनी तौर पे देखिए तो काफी शिवसैनिक अपने अंदाज में फिर से एक बार आए हैं, और इसी के चलते एक तरह से उद्धव ठाकरे इनको बुला रहे हैं अच्छी तरह से, और दूसरी तरह से ये फटकार रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका आखिरी मंसूबा क्या है, क्योंकि फाइनली उनको मुंबई आना है, और मुंबई आने के बाद माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए तैयारी भी की गई है। और शिवसैनिक जिस तरह से आक्रोश में है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये जताना चाहते हैं एक तरह से कि आपकी फैमिली भी हमारे साथ है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं है, आपको किसी ने बरगलाया है, आपको किसी ने किसी के आप बातों में आए हैं, और उनका निशाना बीजेपी की तरफ है कि बीजेपी ये सब कुछ करा रहा है, आप बैंक में चाहिए फिर से आइए, एक बार बात करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास है अपने आप पे। अगर मतलब अंग्रेजी में जो कहते हैं मंदार भाई, एक गुड कॉप प्ले कर रहा है, एक बैड कॉप प्ले कर रहा है, यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए, एक पुचकार रहा है, दूसरा हड़का रहा है यहाँ पर। लेकिन संजय राउत ये बहुत डेट्रिमेंटल रहेंगे इस पार्टी के लिए, ऐसा कहा जा सकता है क्या? उनके स्टेटमेंट जो है सीधे दिखाइए, संजय राउत ने क्या कहा। संजय राउत की जुबान, जहरीले बयान, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें। लीजिए, गुवाहाटी में वो 40 लोग जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। नेक्स्ट, पार्टी हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो बंदूक से बंदूक भिड़ेगी, तलवार से तलवार भिड़ेगी, आपके बाप तो दिल्ली और नागपुर में है। यह है संजय राउत की जुबान। बाला साहब का नाम ना ले, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। जो शिवसेना से गया बर्बाद हो गया, लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। शिवसैनिक पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। ये है संजय राउत के बयान।